मुसीबत है, फोन तो उठाओ। मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा कि हम एक छुरी और चाकू वाली लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। कुछ मत कहो अभी, प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जाओ। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो गया है ये सब कुछ। क्या किया है मैंने? यार थोड़ा हौसला करोगे? कैसा हौसला यार, देखो तो सही किस हाल में है इस वक्त। यार मर्द, तुम कैसे हम सबको इतनी बड़ी मुश्किल में धकेल सकते हो आखिर? सही कह रही हो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। वो क्या किया था? अहमक हो गए थे क्या? तुमने छुरी से वार कर दिया उस पर, तुम समझ क्या रहे थे? एगे ठीक है, बाहर क्या ठीक है, हम इतनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और तुम कह रही हो सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा भाई हल तो कर लेगा ना, ऐसा ना हो बाद में हम तक पहुँचे। मतलब क्या है तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने मसले खुद सुलझाओ तुम लोग। जा रही हूँ मैं। मामू 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 उठना मत वरना चक्कर आ जाएंगे। आप थक गए क्या? कौन मैं? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं थका, मैं और भी खेल सकता हूँ लेकिन सोचा कि तुम्हें थकावट हो रही होगी। कौन मैं? कैसी थकावट? क्या इंसान भी कभी उड़ते हुए थकता है? अच्छा ऐसी बात है, आ जाओ घर तक रेस लगाएंगे। पहले मैं, पहले मैं। चलो आ जाओ, मैं जीत रहा हूँ। मैं सोच रही हूँ बच्चों की डॉक्टर बन जाऊँ। कितने बच्चे हैं ना यहाँ? जब स्कूल शुरू हो तब सोच लेना कि क्या करना है। वैसे डेंटिस्ट भी बन सकती हूँ मैं। किस लिए? हर किसी के पास दांत है इस वजह से। कोई फैसला लो मेरी बहन। आपको क्या लगता है वैसे? मेरा तो बचपन से ख्वाब है कि या अल्लाह। हेलो, कैसे हैं आप उनाल साहब? जी जी, आज के दिन का अपॉइंटमेंट था। ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं आज। आप आ गए हैं क्या? बिल्कुल घर के सामने। ठीक है, मैं वहां फौरन पहुंच रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। जल्दी चलो, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, चलो। मैं जीत गई, मैं जीत। अच्छा ठीक है बाबा, तुम जीत गई। अब तुम वॉशरूम में जाकर ठीक से अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लो। ठीक है? ठीक है, चलो शाबाश। ये क्या हाल बना लिया तुम लोगों ने? हाँ घर तक रेस लगाई थी। इस तरह बर्तन में हाथ मत डाला करो, तुम्हें कितनी दफा समझाना पड़ेगा। भाई चले गए? मेरे ख्याल से अपने कमरे में ही होगा, उसका कुछ पता होता है क्या? खैरियत तो है? हाँ। ऑपरेट करने लगी है? नहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही है इन पत्तों में कितना नमक होता है, इसलिए ग्लव्स पहनने पड़ जाते हैं। क्या वही मैसेज तो नहीं है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे? नहीं अम्मी, बिल का मैसेज है। क्या उन्होंने मेरी दरखास्त देखी होगी? ऐसा होता रहता है, मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने इंटर्नशिप भी शुरू कर दी। तो एक काम करो, इसके साथ साथ कहीं और भी अपनी सीवी अप्लाई करके तो देखो, तुमने इतना पढ़ा है तुम्हें कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। किसी और जगह दरखास्त दे दो तू, लेकिन मैं दुआन यानर के ब्यूरो में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। वो आदमी कमाल है, अगर मैं उनके साथ आगाज करता हूँ तो कोई भी मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। असल में अच्छा है कि आमने सामने मुलाकात हो जाए, लेकिन लेकिन क्या? वो तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अगर वाकई कुछ करना चाहते हो ना
तो जाकर मिल लो उसे फौरन। अम्मी मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास मेरे लिए कोई वक्त है। दुआन साहब, आपके गेस्ट आ गए हैं, आपके ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। टाइम बताओ। 9:50। 10 मिनट पहले आ गए हैं, थोड़ा इंतजार करने दो उन्हें। ठीक है। ये इस घर का लाउंज है, फर्श भी ठीक है, दीवारों पर भी अभी रंग करवाया है। छोटा मगर कुशादा घर है। सादा है मगर बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल, व्यू भी बहुत खूबसूरत है, हरियाली भी है बाहर। हाँ बहुत हरियाली है, बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है कि यहाँ के लोग भी मेहमान नवाज होते हैं। इस घर को एक शर्त पर लूंगा, अगर मेरी पहली मेहमान तुम हुई। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने घर लेना है तो लीजिए, वरना आपकी मर्जी है। वैसे मुझे ये घर कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा। ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हारी नजर में कोई और घर हो तो मुझे कॉल करना। हाँ अगर मिलना भी चाहो तो कॉल कर सकती हो, इंतजार रहेगा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया दुआन साहब। आप लोगों ने यहां आने की फजूल में जहमत की, अदालत में मुलाकात हो जाती। हम इस उम्मीद से आए हैं कि हमारा आपस में मुआयदा हो जाए दुआन साहब। मेरे ख्याल में हम ये बातें पहले कर चुके हैं फातिह साहब। मेरा मौकिल मेहमत साहब की तलाफी करने के लिए तैयार है। और ये कैसे होगा? हाँ मेरे मौकिल को वो थोड़े से पैसे थमाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगा। मेहमत साहब के लिए भी ये सिचुएशन ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर बात मेरे मौकिल की गैरत, इज्जत और हैसियत की है। उन्हें उस बैंक से निकाला गया जहाँ उन्होंने सालों काम किया। इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें उसी बैंक से एक फ्रॉडिये का नाम देकर निकाला गया, ये गलत था। अहमद साहब गैरतमंद इंसान है, इस इल्जाम की वजह से उन्हें अपनी रिहायशगाह भी बदलनी पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में लोग उन्हें फ्रॉडिये के नाम से पुकारने लगे, इसीलिए अब वो अपनी नई जिंदगी के आगाज के लिए सबके सामने खुद को मासूम साबित करना चाहते हैं। तो अब से आपके मौकिल को हर सूरत खतरे में आना ही होगा। और क्या यह सूरत हाल अहमद साहब के टूटे हुए गरूर को लौटा देगी? ऐसा समझें कि ये मुलाकात कभी हुई नहीं, और इस बात का यकीन रखें कि मैं आपके मौकिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। एक बात और, अपने मौकिल को बता दें कि हम इखलाकी नुकसान के लिए 10 मिलियन का दावा करने वाले हैं। बेहतर होगा वो तैयार रखें। खुदा हाफिज। शुक्रिया दुआन साहब, हमारी मीटिंग अच्छी रही। कोई बात नहीं मेहमत साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जिन्होंने आप पर इफ्तरा लगाई थी उन्हें सजा दिलवाए बगैर मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह गारत करे उन्हें, बस यही कमी रह गई थी। अब काम और मुश्किल हो जाएगा चेतन। दुआन येनर को बर्बाद करने के लिए अब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात सुनो, आज ही मीटिंग रख लो उसके साथ, आमने सामने बात करते हैं। हाँ ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। तहसीन कुछ हो क्या है क्या? हमारा वो जो है ना मुखालिफ वकील दुआन येनर, हम उसके घर से सुलह करने ही वाले थे। क्या हुआ, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, कोई मजाक हो रहा है क्या? नहीं हंसने की बात नहीं है,
मेरे ख्याल से अफसोस की बात है। जैसे कि हमें मालूम है, दुआन यनर एक शानदार वकील है ना? कभी सुना नहीं कि आज तक कोई केस हारा हो। बहुत बुरा हुआ, आपके लिए बहुत दुखी हूँ मैं। दुखी होने के लिए इतनी फुर्ती मत दिखाओ, कुछ भी हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुकदमा मैं ही जीतूंगा, देखना। हम ये केस जरूर जीतेंगे तहसीन, क्योंकि हम हक पर हैं। सुकून से खाना खाइए आप लोग। कॉफी मिल जाएगी मुझे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और तुम्हारे लिए कोई कॉफी नहीं है, गुस्सा आ गया मुझे। वो तो नजर आ रहा है मुझे। वाकई बहुत वाजे हो रहा है? नहीं, लेकिन मुझे पता चल जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने मोहब्बत का सफर एक साथ शुरू किया और वो तलाक के नुक्ते पे आके एक दूसरे से नफरत कैसे कर सकते हैं? मुझे अफसोस भी है और गुस्सा भी आ रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि तुम गलत तरफ खड़ी हो। तुम्हें तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली जगह पर होना चाहिए। तुमने मेरी दी हुई टाई पहन ली? अपनी सोच को बदल लिया मैंने। इसका मतलब है कोई अच्छी खबर है? पता नहीं। आदिल ने छुट्टियों पर जाने से पहले ही आखिरी केस लिया था। तहसीन ताइमान भाई, बात हुई क्या? हाँ हाँ, हो गई बात। मैंने मना लिया है उसको, तुम लोग माफी मांग के सुलह कर लो। ठीक है भाई, मैं ले आऊंगा उस आदमी को, मगर तुम लोग देर मत करना। ठीक है, मैं अपने भाई से बात करता हूँ। मैं बस निकल रहा हूँ, कैफे पर मिलते हैं। शुक्रिया। यह सिर्फ फोन था, आदमी से बात की है उसने। अगर हम जाकर माफी मांग ले तो वो शिकायत वापस ले लेगा। भाई आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ यार, मैं रुको जरा एक सेकंड। अब ये क्या हो गया भाई? ना करें, मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई, इस काम को मसला ना बनने दें, हम जाकर माफी मांग लेते हैं। अरे भाई, को इतना भी गिरता है क्या? इसका क्या मतलब है? ये वक्त आना दिखाने का नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये किस तरह का झुकना हुआ? फिर से भाई, भाई प्लीज मत करे, कई बार हो चुका है ये। देखो मर्द, मुझे नसीहत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वरना हमारी लड़ाई भी हो सकती है। क्या आपने सुना जो मैंने कहा? वो आदमी मेरे काम की जगह पर आएगा, क्या आप उससे माफी मांगेंगे? देखते हैं। ऐसा मत कहें, बता रहा हूं कि मेरे लिए जरूरी है। हाथ हटाओ अपना, हटो यार, मुझे जाना है, काम है जरूरी। पता नहीं क्यों सुनते ही नहीं हो तुम। अब क्या तुमसे उलझू मैं? तुम करते ही क्या हो? मुझे पहले ही इतने काम है। अजीब इंसान है यार। चलो शुरू करते हैं। हाल ओवरऑल आपने देर कर दी,
वक्त का पाबंद हूँ मैं, देर से आने वालों को काम नहीं देता मैं। मजाक करना छोड़ दो, होमवर्क का बताओ मुझे। बच गए तुम, तिलाफी की जरूरत नहीं। यानी कबूल कर रहे हो तुम? तुम्हारा होमवर्क मैंने किया है, तुम कबूल कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसे अभी तक पहुंचे नहीं, उसका क्या हुआ? माफ कर देना, अभी भेजता हूं। कसम से यार, भूल गया था। लेकिन जो अकाउंट नंबर तुमने मुझे भेजा है, उस अकाउंट का नाम गुरबुज है। हाँ तुम भेज दो इसी में। अरे मैं तो भूल गया था, तुम्हारा नाम एगे नहीं है, रियल नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? ठीक है, भेज दिए मैंने, चेक करो। तुम देखो कि मैं गुरबुज जैसे लगता हूँ कि नहीं लगता। सही कहा, तुम बिल्कुल एगे जैसे हो। हाँ तुम्हारा होमवर्क मैंने तुम्हें मेल कर दिया है, देख लो जरा, आ गया होगा। ठीक है, शुक्रिया, फिर मिलते हैं। हाँ और वैसे तुमने शहरी कानून का इम्तिहान अच्छा नहीं दिया था, मैंने उस लिहाज से तुम्हारा होमवर्क तैयार किया है। क्या कह रहे हो एगे? टीचर्स को अच्छे से मालूम है कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी अकल के हिसाब से तुम्हारा होमवर्क तैयार किया है। मैं चलता हूं, कुछ काम है मुझे। आ जाएं। आपकी कॉफी। सही वक्त पर लाई हो, शुक्रिया। तोले ने देखा तो नहीं? देख लिया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कह दूंगी कि ये मेरे लिए थी, और मैंने इंटर्नशिप की एप्लीकेशन देने वालों की फाइल यहाँ रख दी है। मैं अभी वही देखने वाला था। बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। आने दो। एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, इतनी सारी एप्लीकेशंस में लोगों को सेलेक्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? ऐसा सोचो जैसे हम किसी हुजूम में चल रहे, हर कोई एक दूसरे के लिए अजनबी है, लेकिन उनमें से कुछ चेहरे जाने पहचाने से लगते हैं, किसी जाने पहचाने जायके की तरह, बचपन की यादों की मानिंद। इंसान उस वक्त महसूस करता है कि वो तन्हा नहीं है, वो अकेला नहीं चल रहा, उसकी किस्मत बहुत से इंसानों के साथ जुड़ी है। माफ कीजिएगा मगर आप ये काम कैसे करेंगे? हुजूम में किसी अकेले इंसान को और तारीकी में रोशनी को छुपाया नहीं जा सकता। मैं समझ गई, आई होप आपका काम आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। आपने यहां पर आकर बहुत सहमत किया, आपका शुक्रिया। भाई और मैं उस वाकिए को लेकर बहुत ही दुखी हैं। पहले तो तुम मुझे यह बताओ कि मेरा नुकसान पूरा कौन करेगा? मैं हल कर लूंगा, आप बस अपनी शिकायत वापस ले लें। मैं वापस ले लूंगा। मुझे ये कमिश्नर ने बताया था तुम वकील बनोगे। जी, 6 माह की इंटर्नशिप करने के बाद इंशाल्लाह। और जाहिर है कि मेरी फाइल में कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरी जगह पर हमला करते हुए तुम्हारी अकल कहाँ थी? हमला करने का क्या मतलब है? मैं भाई को लड़ाई से छुड़ाने के लिए। माफ कीजिएगा, मैंने और भाई ने सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तुम्हारे भाई ने माफी नहीं मांगी, लेकिन तुम अच्छे लड़के लग रहे हो, इंस्पेक्टर ने भी सिफारिश की थी, चलो इस दफा माफ कर देता हूं।
इंस्पेक्टर साहब, दुकान पर मेरा इंतजार हो रहा है, चलता हूँ मैं। मैं फिर से माजरा चाहता हूँ, शुक्रिया आपका। ठीक है। चलो चलता हूँ मैं, फिर आऊंगा। खोलो जरा इस खटारा का दरवाजा। हाँ हाँ खोल देते हैं, चलो तो सही। या अल्लाह, बंद करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक दिन मेरे पास भी इतने ही पैसे होंगे। ये कौन सी नई बात है, दो दिन में जाया कर दोगे? सब छोड़ो, ये बताओ कि साले भाई को क्या कहोगे? सारकन, मैंने ऐसी हार कभी भी नहीं देखी। सिर्फ एक घंटे में पैसे खत्म हो गए सारे। मैंने तुम्हें रोका भी था ऐसे अनजान काम में पड़ने से, अब कैसे वापस करोगे पैसे उनके? अगर वो भरोसा कर ले मुझ पर और थोड़ा सा इंतजार कर ले तो हो सकता है कुछ। इंतजार कैसा यार, वो आदमी अब दुगना पैसा मांग रहा है, कहां से देंगे उसको? या अल्लाह, से को ये काम इस तरह से नहीं हुआ करते। तो कैसे होते? थोड़ा इंतजार करना होता है, बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त मार्केट बहुत नीचे है तो कीमत भी कम मिलेगी, बहुत ही कम। कितनी कम कीमत? बिल्कुल ही कम। कितना यार? 45%। क्या? कसम से। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैंने ये पैसे लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वो हमारे खानदान को भी नहीं छोड़ेंगे, जान चली जाए मगर उनके पैसे नहीं। परेशान क्यों हो रहे हो? तो क्या करूं मैं? ठीक है ना, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा इंशाल्लाह। अब जल्दी चलो, पहले ही देर हो गई है। तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं, चला तो लोगे? हाँ कैसी है आपा? हाँ, बहुत बुरी। क्यों, क्या हुआ? घर नहीं चढ़ा किराए पर, दिल चाह रहा था गला दबा दूं। कोई बात नहीं आपा, फिक्र ना करें, कोई और मिल जाएगा। बिल अदा करने के लिए हर हाल में दो घर किराए पर चढ़ाने होंगे मुझे। मुझे पता है आप कर लेंगी, आप परेशान ना हो। आप वकालत की तालीम हासिल कर रही हैं, अगर आप लोगों को राजी ना कर पाई तो कौन करेगा आखिर? लेकिन हमें कोई और हल निकालना होगा इसका। किराया मांगने आया था ना? जी हाँ आपा। काश मेरी इंटर्नशिप शुरू हो जाए, जर्नल ब्यूरो से भी कोई खबर नहीं मिली। इंटर्नी को सबसे ज्यादा तनख्वाह देते हैं वो, कितना अच्छा हो जाता ना। खैर मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा बताओ, खाना खाया है ना तुमने? साथ खाएंगे हम। वैसे जितना बिल है उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन हम दोनों इसमें मजे से खाना जरूर खा सकते हैं। हाँ हम अमीर हो गए ना, वैसे अच्छे खासे पैसे तो मैं भी कमा लेती हूँ। या अल्लाह, क्या मैं भी यही काम शुरू कर लूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो काम मैं करती हूँ वो आपको जेब नहीं देता, आप बस कोशिश जारी रखें, और मुझे पता है, और वैसे भी आपके बस की बात नहीं। अरे हद कर दी तुमने यार, ये बात कहाँ से आई? ये सारे खेल तुम्हें किसने सिखाए? मुझे नहीं पता इन खेलों का। अच्छा ठीक है। हाँ। क्या मंगवाऊँ आपके लिए? लहमाज। ठीक है, मुझे एक लहमाज चाहिए, लेकिन प्याज ज्यादा हो उसमें। आयरन भी हो गया, और इसके अलावा बल्कि इतना ही। बहुत शुक्रिया बानो साहिबा। कोई बात नहीं। बात सुनो मेरी, पैसे कम पड़ जाएं तो मुझे बता देना, मेरे पास हैं। मैंने कहा ना मेरी तरफ से, भरोसा नहीं है आपको मुझ पर? ठीक है। ये लीजिए आपका ऑर्डर। शुक्रिया शुक्रिया। कुछ और चाहिए आपको? नहीं बहुत शुक्रिया। बात सुनो, खैरियत है? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं तो मैं क्यों पीछा करूंगा भला तुम्हारा, मैं नहीं जानता था तुम यहाँ वेटर हो। करम मेरा पीछा छोड़ दो, सोचा था स्कूल खत्म होने के बाद बिल्कुल सुकून हो जाएगा। मैं सिर्फ कॉफी पीने आया हूँ,
और वो भी अच्छी वाली। जानते हो आज दो लॉ फर्म से मिला मैं। जाहिर है वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं मगर मैंने फौरन जवाब नहीं दिया। येनर एंड टैन कंपनी ने बुलाया तुम्हें? नहीं। इंशाल्लाह बुलाएंगे तुम्हें। तुम्हें बुलाया उन्होंने? हाँ गया था मैं, बुलाया था उन्होंने मुझे। बार बार फोन किया उन्होंने, कहा कि तुम हमारे साथ काम करोगे तो खुशी होगी, मगर सोचने के लिए वक्त मांगा है अभी। तुम्हें बुरा ना लगे तो कॉफी पीते वक्त सोच सकता हूं मैं? किस तरह की कॉफी चाहिए तुम्हें? सादी। जरा एक सोडा भी ले आना। एक सादा कॉफी और एक सोडा। दौन सर, आपके ऑफिस की लाइट जल रही थी तो मैंने सोचा सलाम कर लूं। ये देखिए मैं क्या लाया हूं। बर्क, रात के इस पहर से मैदा खराब नहीं होगा? पानी ना पिए? यानी पानी तब पिए जब खाना हजम हो चुका हो। किसी बात से तो अनजान रहो। ठीक है, ये बताओ इंसान को कब जागना चाहिए? सुबह 5 बजे। 5 बजे? ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? ज्यादा सोना सुस्त लोगों का काम है। मसलन याबू सुल्तान सलीम दिन में 3-4 घंटे सोते थे, पता है आपको? हाँ सुना था मैंने। ठीक है, हमारे मशहूर एरिथमेटिशियन अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए जाहिद आरफ दिन में 5 घंटों से ज्यादा नहीं सोते थे। देखो मुझे लगता है कि वो सोते नहीं होंगे। एडिसन, टेस्ला जैसे कामयाब लोग ज्यादा सोने को वक्त का ज़िया समझते थे। उनके हिसाब से 3 दिन में 3 घंटे काफी हैं। उनको गलत नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, एक आम आदमी सुबह 7-8 बजे उठता है, उसके पास काम करने का इतना वक्त नहीं होता जितना 5 बजे उठने वाले के पास होता है। उसका जहन खुला होता है। कम सोने वाले हमेशा फुर्तीले होते हैं, उनका हौसला भी बुलंद होता है। मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा था और तुम इंसाइक्लोपीडिया की तरह बताते ही चले जा रहे हो। मैं भी जल्दी उठता हूं शायद इसी वजह से। अकलमंद। जाओ किचन से नमक ले आओ, ऐसा नहीं खाया जा रहा ये। हमारी मरहूम मम्मी ये बहुत पसंद करती थी, खास तौर पर पनीर के साथ, खास करके जब वो मुझे स्कूल से लेने के लिए आती थी और मैं नखरे करती थी। मेरी प्यारी अम्मी, उनके पास जो चंद पैसे होते थे उन्हीं पैसों से होटल लेकर जाया करती थी वो, और खाना खाने के फौरन बाद वहां पर एक कड़क सिया चाय आती थी। हमारे खाने को जहर कर देती थी वो चाय, लेकिन वो चाय हम लाजमी पिया करते थे। आपके पास कितनी यादें हैं, मुझे जलन होने लगती है। हाँ बहनों के दरमियान कौन सी जलन? हाँ वाकई जलन हो रही है तुम्हें। ठंडे ठंडे लहमाज खिला दिए तुमने मुझे,
लेकिन मजेदार थे, शुक्रिया तुम्हारा। मजे से खाइए। हाँ, बहुत खूबसूरत हार है, नया खरीदा है? वो एक दोस्त ने दिया मुझे। किसने? दिलेक। दरअसल वो भी मेरी तरह एक आया है, दूसरी सोसाइटी है वहाँ। अभी उसी का जिक्र किया था, और देखे मैसेज भी आ गया। मिलवाऊं क्या आपको किसी दिन? जरूर, खुशी होगी मुझे। हाँ, मैं होश में हूँ क्या? मोजिस वकील साहबा, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको येलर एंड टैन ब्यूरो की इंटर्नीज लिस्ट में शामिल किया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप सुबह 5 बजे दिए गए पते पर पहुंच जाइएगा। मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, इंटरव्यू के लिए बुलाया है मुझे। हम बहुत जल्द गुर्बत से आजाद हो जाएंगे मेरी बहन, बहुत जल्द। मेरी प्यारी आपा। शुक्र है अल्लाह।